कभी कभी आपका भाई कुकिंग कर लेता है। भाई कोविड है, मास्क पहनना तो ज़रूरी है। अभी जैन के हॉस्टल से जा रहा हूँ पास लेने के लिए राइस, तो देखते हैं कि टाइम देते हैं नहीं देते हैं। सर आपने कहा था पास। यस, नाम आपका? अब्दुल राफे। ऊबर पकड़ी मैंने, उसने मुझे उतारा गार्डन टाउन। गार्डन टाउन में राइज का दूसरा कैंपस है। आपको कैसा लगा? वो जो सुना हुआ था बड़ा मुश्किल कोर्स है, आईकैप तो पास ही नहीं करता, या तो कोई डिमांड एंड सप्लाई होती है उसके तहत ही पास होते हैं। ऐसी बाकी जो जाहिद कभी साहब ने कहा है कि आपने घबराना नहीं। मेजर चेंज यहाँ है, 1 और 2 यहाँ से निकलकर पीआरसी में चली गई। जैसे ही कोई पेपर पीआरसी में जाता है या एएफसी में आता है तो वो एमसीक्यूज बेस हो जाता है। इसका मतलब है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कहाँ चली गई? एमसीक्यूज बेस में चली गई। इकोनॉमिक्स कहाँ चली गई? एमसीक्यूज बेस। F3 लॉ का पेपर और जाके इसके 2 हिस्से पढ़े। इसमें पहले भी हम दो हिस्से पढ़ते थे, एक थे बिजनेस लॉस और एक थे कंपनी लॉस। अलग अलग का अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम हमारी इंट्रो और इकोनॉमिक्स एग्जेम्प्ट होने वाली है, जो कि मार्च अटेम्प्ट में अगर प्रूव हो गई तो हम ना इंट्रो देंगे और ना ही इकोनॉमिक्स देंगे। तो सर जाहिद कवि ने हमें एक सोल्यूशन दिया था कि आप बिज़नेस लॉ और इंट्रो को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर न्यू स्कीम अप्लाई हो भी जाती है मार्च अटेम्प्ट में तो आपके FAR 1 पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स लाजमी है। बेसिक्स तो हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ही से मिलेगी, आगे हम फर्दर फिर अकाउंटिंग पढ़ सकेंगे। अगर हमारे पास बेसिक्स ही नहीं है तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? तो इंट्रो लाजमी है हमारे लिए। और उन्होंने कहा हम आपको फ्री सेशन देंगे तकरीबन 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर ही। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है भाई? नहीं घबराना। शफी के मजे रोटी खुल गई है। हम सबका बेसिक मकसद यहाँ पर आने का यही था, रोटी खाना और सारे यही बने सारे रोटी खाने आए हुए। आज़म दानियाल भाई रोटी खोल दे, रोटी खोल दे।
भाई कह रहे हैं कुल्फा गर्म हो गया, पिघल नहीं गया, कह रहे गर्म हो भाई। खाना शाना खा लिया है और उन्होंने हमें कहा कि अब छुट्टी करो, आपने बहुत सारा खाना खा लिया। चलो ब्रो सारे छुट्टी करो सारे। हमारे आजम भाई जिन्होंने कुल्फा खा खा के पैसे पूरे कर दिए, पैसे पूरे कर दिए, पैसे सारे पैसे तो पूरे आजम भाई ने किए, प्राइस की फीस पूरी कर दी है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम यही पढ़ते हैं कि ड्रेसिंग आप फॉर्मल होना चाहिए, मैं भी फॉर्मल ड्रेस में गया था। बाकी ओवरऑल डिनर बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मजा आया, मैंने काफी एंजॉय किया। ब्रो सब्सक्राइब।